जय हिंद वंदे मातरम। आज का मेरा वीडियो धर्म शिक्षक के लिए है। जितनी भी आवेदक हैं धर्म शिक्षक के, मैं सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप लोग धैर्य रखें, पेशेंस रखें। इस आंदोलन से आप लोगों को भी असर पड़ेगा, आप लोगों पर भी असर पड़ेगा। अब वो असर कैसा पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक, वो तो समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि अब सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी प्रकार से किसी के पेपर को रिजेक्ट करने की। तो जितने बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं कि भैया अब हमारा फिर से पेपर होगा, फिर से फिजिकल होगा या भर्ती निरस्त हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि अब भर्ती बिल्कुल भी निरस्त नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने युवाओं का आक्रोश देख लिया है। और इस वीडियो में मैं फिर से कहूँगा, मैं कल से ही कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि कोई भी युवा उपद्रवी ना करे, किसी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए, हम लोग उसके समर्थन में नहीं हैं। लेकिन युवाओं को भड़काने का कार्य तो सरकार ने ही किया है, ये तो सरकार को ही मानना पड़ेगा, भले कोई बोले ना बोले। अब मैं उन आवेदकों से कहना चाहता हूँ, धर्म शिक्षक के आवेदक हैं और इस साल उन्होंने फिजिकल मेडिकल निकाला था और परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसमें थोड़े से हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारी जानकारी है अपने पास, जैसे कि आज भी कुछ बंदों के फ़ोन आए जिनका वेरिफिकेशन हुआ था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन का आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस आंदोलन से आप लोगों पर ये प्रभाव पड़ने वाला है कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा थोड़ी सी विलंब हो जाए, या हो सकता है कि घबरा रहे हैं वो लोग आप लोगों के पेपर जल्दी करा लें। दोनों ऑप्शन है, दोनों संभावनाएं बढ़ रही हैं कि आपका पेपर या तो थोड़ा सा लेट हो सकता है या फिर जल्दी हो सकता है। और एक खुशी की बात या अच्छा संकेत ये है कि आप लोगों को अब ये मान के रखो, इस आंदोलन से सरकार को भी सीखने को मिलेगा कि किसी की परीक्षा में छेड़खानी नहीं करेंगे। यानी फिजिकल मेडिकल के बाद जो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा पेपर निरस्त ना कर दें, तो ये बात क्लियर हो गई कि अब आप लोगों का पेपर निरस्त नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना बड़ा जो आंदोलन चल रहा है वो देश में इसी बात को लेकर चल रहा है कि अगर वो एयरफोर्स के चीफ अगर ये नहीं बोलते कि जो फिजिकल मेडिकल हुआ है उन्हें वो इसमें भर्ती में शामिल किया जाएगा, उसको निरस्त किया जाता है, तो शायद इतना बड़ा आंदोलन भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि NCO के बंदे अलग हो गए और आप लोग JCO के अलग, यानी कि आप लोगों का पेपर हो सकता है। और एक नई जानकारी मैं बता दूँ मैं आज आप लोगों को कि मेरे पास आज एक पंजाब से एक बंदे का फ़ोन आया था जो अपना परिवार का ही सदस्य है और उसका भी डिप्लोमा का वेरिफिकेशन हुआ है, वो भी कॉलेज से। तो कहने का तात्पर्य है वो भी शास्त्री है और डिप्लोमा था, ठीक है, 2 डिग्री उसके पास थी, तो उसका डिप्लोमा का वेरिफिकेशन हुआ है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि उन्होंने शास्त्री को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है अभी तक। ये मैं हरियाणा और पंजाब की मैं बात कर चुका हूँ आप लोगों से, 2 वीडियो में बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है आप लोगों की दूसरी जानकारी है कि ये श्योर है कि उन्होंने डिप्लोमा का ही वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन भी इस बात का किया कि PGCE से अप्रूव है कि नहीं। तो PGCE से अप्रूव था उस बंदे का, क्योंकि जिस संस्था से लिया था वो संस्था PGCE से अप्रूव है, ठीक है। ये तो ये खुशी की बात हो सकती है आप लोगों को। इसके बाद मैं आप लोगों से कहूँगा कि अब हम लोगों को करना क्या है इस समय। तो भैया मैं फिर से सभी युवाओं से कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, किसी प्रकार के संदेह अफवाह में ना पढ़ें। आप खुद पर कभी ये आकलन ना करें कि हम पेपर में नहीं बैठेंगे, आप लोग पेपर में बैठोगे श्योर है। क्योंकि सरकार अब समस्याएं देख चुकी है कि भैया जो लेटर आते हैं उनको पढ़ना भी चाहिए, हमको उनको मैं देखना भी चाहिए कि लेटर कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इतने सारे लेटर क्यों आ रहे हैं। तो सरकार को अब समझ में आ गया होगा, सरकार होश में आ गई होगी, तो इतने सारे लेटर युवाओं 4 साल से दे रहे थे, हम लोग भी दिल्ली परेशान हो गए, हम लोगों ने बहुत सारे लेटर दिए हैं, इतने हो सकता है कि आर्मी वाले बंदों ने भी ना दिए हों, लेकिन सरकार ने उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था, उसका परिणाम आप देख सकते हो। तो ऐसे ही जितने भी धर्म शिक्षक के आवेदक हैं, मैं सबसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जो बंदे अगले टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं, अगली भर्ती के लिए तैयार हो रहे हैं, वो भी अपना फिजिकल कंप्लीट रखें, क्योंकि जैसे ही इनकी परीक्षा होगी इसके बाद आप लोगों की वैकेंसी निकलेंगी, क्योंकि ये अब शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, वो पुराना शेड्यूल था उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और जब भी कोई नई योजना लाएंगे तो वो सोच समझ के वो 10 बार कम से कम सर्वे करेंगे, विजिट करेंगे, अच्छे विशेषज्ञों से पूछेंगे, शोध करेंगे, इसके बाद वो योजना निकालेंगे। ये लोग सीख चुके हैं, क्योंकि ये लोगों के अवमान में और सरकार के दबाव में अधिकारी कुछ बोल नहीं पाते थे, डरते थे, क्योंकि उनको भी जॉब करना है। और रही बात आर्मी की, तो हम लोग आर्मी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम कुछ मुँह नहीं खोलते हैं, अगर हमको कुछ गलत भी लग रहा हो तब भी हम नहीं बोलते, क्योंकि कहीं हमारे आर्मी के बंदे का अपमान ना हो जाए, क्योंकि हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, भले वो किसी भी दबाव में हो, भले वो कैसे भी करके हो सकता है वो सरकार के दबाव में कुछ गलत फैसले ले रहा हो, तब भी हम क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमारी देश की आस्था का सवाल है। वो हम लोग हकीकत में उस वर्दी से बहुत प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, ये आप लोग समझ सकते हो। धर्म शिक्षक के आवेदकों के लिए मेरा वीडियो था, एक थोड़ा सा एक चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा था।
अब आपकी जो भी कमेंट इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हो, और मैं फिर से आह्वान करता हूँ इधर से कि जिन बंदों के पास पढ़ाई का मटेरियल नहीं है, पेपर आने वाले हैं, तो आप संस्था से संपर्क कर सकते हो हमसे और यहाँ से मटेरियल मंगा सकते हो। बहुत ही जल्दी हो सकता है कि मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस लाऊं, और इसके बाद आप लोग अच्छा अध्ययन कर सकेंगे। और इसके आखिरी में मैं एक बात और करना चाहूँगा सभी युवाओं से कि भैया ध्यान रखना, 100% गारंटी तो किसी की नहीं होती है। अगर आप लोगों के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता है, आपके साथ कुछ भी परेशानी खड़ी होती है, तो एकजुट रहें, एक रहें, लेकिन ध्यान रखना मनसा खराब नहीं होनी चाहिए, उद्देश्य आपके खराब नहीं होने चाहिए। मनसा हम लोगों की परीक्षा में बैठने की होना चाहिए, ना कि कहीं आगजनी की।